दो लड़कियां रहती हैं, एक का नाम रेनू रहता है और एक का नाम रेशमा रहता है। ये दोनों लड़कियां अच्छी दोस्त रहती हैं। देखते देखते ये दोनों बड़े हो जाते हैं, पर तो भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहती हैं। रेनू रेशमा से दिखने में बहुत सुंदर रहती है, पर पैसों के मामले में रेनू रेशमा से थोड़ी डल रहती है। और वहीं रेशमा रेनू से दिखने में उतनी सुंदर नहीं रहती है, पर रेशमा के पास बहुत सारे पैसे रहते हैं। इसी बात का रेशमा को बहुत घमंड रहता है। इसी कारण की वजह से रेशमा का कोई भी दोस्त नहीं बनता है, इसलिए वो रेनू को पकड़ी बैठी रहती। फिर एक दिन, अरे यार, मैं तो पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो चुकी हूँ। चलो रेनू को फ़ोन करके देखती हूँ और पूछूँगी कि उसकी एग्ज़ाम की तैयारी हुई है कि नहीं। हेलो रेनू, तेरी एग्ज़ाम की तैयारियाँ हो गई कि नहीं हो गई? हेलो रेशमा, मेरी एग्ज़ाम की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस थोड़ी बहुत सम बाकी है, हो गया। अच्छा यार, मेरा भी हो ही चुका है, बस मुझे बहुत कंटाल आ रहा है पढ़ते पढ़ते, इसलिए तो मैंने तुझे फ़ोन किया। चल ना, थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ने में भी बहुत मन लगेगा। अरे नहीं नहीं रेशमा, अभी तो बहुत पढ़ना है। अरे यार रेनू, आ जाना थोड़ी देर। अच्छा ठीक है रेशमा। फिर वो दोनों बाहर आते हैं, बातें करते हैं, एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर पे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, उन दोनों के एग्ज़ाम पास ही आ जाते हैं। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो दोनों एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर रहे रहते हैं। अरे यार, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे मैं 3 से 4 बार सॉल्व कर चुकी हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं रहा है। अरे रेनू, मुझसे ये सम नहीं हो रहा है, मुझे प्लीज़ बताओ ना, मैंने इसे बहुत बार सॉल्व करके देखा। अरे रेशमा, अभी तुम कर लो ना, मैं मेरा सम सॉल्व कर रही हूँ। अरे रेनू, पहले तुम मुझे बता दो, तुम फिर उसके बाद अपना कर लेना। पहले मैं कर लेती हूँ ना मेरा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सम बता दूँगी। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे जानना है ये। अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें ही बता देती। अरे रेशमा, तुमने ये गलत मेथड से अपना सम सॉल्व किया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, पहले वाले मेथड से सम सॉल्व नहीं करना है, तुमने वैसे ही कर दिया, इसलिए तुम्हारा आंसर कब से रॉन्ग आ रहा है। ओ सॉरी, मैं भूल ही गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और देखते देखते रेनू रेशमा के एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं। हालांकि रेनू पढ़ने में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहती है और उसने पेपर बहुत अच्छे से दिया रहता है, इसलिए उसे उतना डर नहीं लगता है। पर रेशमा थोड़ी डर में रहती है, क्योंकि रेशमा पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं रहती है। हे भगवान, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कल रिज़ल्ट में कितने मार्क्स आएंगे। रेनू को तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं क्या करूँगी, बस मुझे 80 से ऊपर आ जाए वो भी काफ़ी हो। नहीं, तुम्हें इस बार 80 से ऊपर नहीं, तुम्हें इस बार 90 से ऊपर लाना है। देखो अपने दोस्त रेनू को, हमेशा 95 से ऊपर ही मार्क्स लाती है, आज तक ऐसा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा कि इसे 95 से ऊपर नहीं आए रहेंगे। तुम्हें इस बार 90 से ऊपर लाना है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारा सोने का पेंडेंट लेके नहीं दूंगी, समझी? अरे नहीं मम्मी, प्लीज़ मम्मी, मुझे मेरा सोने का पेंडेंट चाहिए, आप ऐसा मत करिए मम्मी प्लीज़। नहीं, मैंने कहा ना, 90 से ऊपर आएगा तो ही सोने का पेंडेंट मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। हाँ, पढ़ने लिखने में ध्यान तो रहता नहीं है। नहीं, ये रेनू की वजह से हो रहा है।
रिजल्ट वाले दिन। ये मुझे 96% आई, ये मैं तो बहुत खुश हूँ आज। चलो मैं रेशमा के घर पे जाके उसका नंबर पूछती हूँ, देखते हैं। हे भगवान, मुझे सिर्फ और सिर्फ 82% आए हैं। अरे रेशमा, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो रेशमा? रेनू, मुझे सिर्फ 82% आए हैं। तुम्हें कितने मार्क्स आए? मुझे 96% आए हैं रेशमा। पर तुम बुरा मत मानो, तुमने भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। तुम रो मत रेशमा। अच्छा एग्ज़ाम दिया होता ना तो अभी 82% नहीं, 90 से भी ऊपर परसेंट आते इसे। मैंने कहा था इसे पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, काम आएगा। नहीं, मेरी बात तो किसी को सुननी ही नहीं है, बस पूरा दिन फ़ोन में पड़ी रहती है। देख तेरी दोस्त को, कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं वो। और तुझे? तुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। अब सोने का पेंडेंट क्या, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। जा यहाँ से, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रेणु। बहुत दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे ये सब बात सब भूलने लगते हैं, पर रेशमा का बदला पूरा कहाँ हुआ रहता है। रेशमा एक बहुत ही खतरनाक सा प्लान सोचती है। अब मैंने जैसा प्लान सोचा है मैं वैसा ही करूँगी। हेलो रेनू, तुम बाहर आ रही हो क्या? हम थोड़ी देर टहल लेंगे। ओके रेशमा, मैं आती हूँ। फिर वो दोनों बहुत बड़े ब्रिज पे टहलते रहते हैं। आज मैं रेनू को इस ब्रिज से नीचे धकेल दूँगी। उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे ना, ना ही वो लिख पाएगी ना ही वो चल पाएगी। फिर आगे के एग्ज़ाम्स में मैं ही उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊँगी। अरे नहीं, रेनू को तो इतना सारा खून निकल गया है। मैंने तो सोचा था इसके सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, पर इतना सारा खून, मुझे नीचे जाके देखना चाहिए। रेनू, रेनू अपनी आंखें खोलो। रेनू, रेनू उठो। रेनू तुम्हें क्या हो गया? नहीं, रेनू तो सांस भी नहीं ले रही है। रेनू, रेनू उठ जाओ। रेनू तुम्हें क्या हो गया? रेनू, रेनू उठ जाओ। रेनू, रेनू अपनी आंखें खोलो। रेनू, रेनू उठ जाओ। रेनू, रेनू, रेनू उठ जाओ। रेनू, अब रोके क्या फ़ायदा है रेशमा, तुमने तो मुझे खो दिया। रेनू, रेनू तुम वापस आ गई। रेनू मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी रेशमा, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप जो कर दिया। और ना ही मैं अब तुम्हें कभी देखूँगी, और ना ही तुम मुझे कभी देख पाओगी। ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं रेशमा। मुझे हमारी बचपन से लेके
अब तक की दोस्ती हमेशा याद रहेगी रेशा, हमेशा हमेशा याद रहेगी रेशमा, हमेशा। बाय रेशमा, अब पता नहीं हम कभी मिलेंगे, शायद हमारे अगले जन्म में। बाय, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी रेशमा, कभी भी नहीं। रेनू रुको।